आज ऑप्शंस में आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, लेकर आएंगे मुनाफे का ऑप्शन। रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा हमारे साथ हैं। अजीत, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपका एटीएन स्वदेश पर। बताइए, आज ऑप्शंस के तौर पर आपने क्या चुना है? बाजार रिकवर कर रहा है, लोअर लेवल से सेंचुरी मार चुका है निफ्टी, और निफ्टी बैंक की अगर बात करें तो वहां पर बढ़त काफी अच्छी है, 41,000 का आंकड़ा हमने पार कर लिया है, बाय करेंगे? शुक्रिया अभिषेक। तो यस, देखिए जिस तरीके से मार्केट में अभी रिजिलियंस दिख रहा है, कहीं ना कहीं मार्केट जैसे हमने कल भी बात की थी कि 2-3 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, बैंकिंग की तरफ से रिकवरी आ रही है। बट एक सेक्टर जो कि जहां पे एक कंसिस्टेंट बाइंग इंटरेस्ट नजर आ रहा है वो है आईटी, जहां पे कि यू नो ग्लोबल भी आपको पॉजिटिविटी हैंडओवर मिल रहा है, जहां पे कि नेस्डेक आपको लगातार यू नो रिकवरी देखते हुए उसमें हमने देखा है। तो ये देखते हुए मेरे हिसाब से आईटी पे तो डेफिनेटली आपको रहना चाहिए, कंसिडरिंग कि मार्केट में अगर थोड़ा बहुत वॉलिटिलिटी आगे बढ़ रहेगी भी तो आईटी कंपैरेटिवली स्टेबल रहेगा। इसमें आईटी में जैसे इंफोसिस यहाँ फ्रेश बेस फॉर्मेशन हुआ है, 1600 का जो कॉल है वो अभी आपको करीब 28-29 के नाम पर मिल रहा है, तो यहाँ पे आप लॉन्ग पोजिशन आ सकते हैं, 18 रुपये का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, 50 रुपये तक के पोजिशन डालने के लिए। ओके, यानी इन्फोसिस की कॉल ऑप्शंस खरीदने की सलाह है, 1600 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शंस यहाँ पे खरीद सकते हैं, फिलहाल 29 रुपये के आसपास इसका प्राइस है, ये आप यहाँ पर खरीद कर जा सकते हैं। शुक्रिया अजीत मुनाफे का ऑप्शंस बताने के लिए। लेकिन चलिए अब वक्त हो गया है खबरों वाले शेयर जानने का, और आपको बताने के लिए हमारे साथ अंकिता जुड़ गई है। अंकिता बताइए, क्या खबर है जहाँ पर सबसे ज्यादा हलचल है और उस वजह से स्टॉक्स पर सबसे ज्यादा असर भी दिख रहा है? तो ये है स्टॉक्स जो आज की ट्रेडिंग सेशन में बस कर रहे हैं। सबसे पहला है कर्नाटका बैंक। कर्नाटका बैंक के Q3 रिजल्ट्स आए थे, ये ऑलरेडी 6% ऊपर है ट्रेड में। इनके जो रिजल्ट्स आए थे उसके हिसाब से इनका जो स्टैंड अलोन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनके जो NII हैं वो 34% ऊपर आए हैं, इनका PAT भी 105% ऊपर है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, इसलिए ये स्टॉक जो है आज फोकस में रहेगा। अगला स्टॉक है गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स का। Q3 रिजल्ट्स आए, Q3 रिजल्ट्स में भी इनके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे रहे, इनकी रेवेन्यू जो थी सिक्वेंशियल बेसिस पे राइज करी है काफ़ी, और एंड पैट भी सिक्वेंशियल बेसिस पे इनका 63 करोड़ पे आया है वर्सेस 52 करोड़ ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस, इसलिए ये स्टॉक भी है फोकस में, ऑलरेडी अप 6% इन ट्रेड। अगला स्टॉक है एजिस लॉजिस्टिक का। एजिस लॉजिस्टिक के भी Q3 रिजल्ट्स आए और वो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, एक स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहा है उनके लिए, उन्होंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग बीट दी है जो कि स्ट्रॉन्ग LPG डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से काफ़ी स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स आई हैं उन्होंने, उनकी वॉल्यूम्स भी काफ़ी अच्छी रही अक्रॉस ऑल सेगमेंट्स, एबिटडा भी जो था उनका वो रिकॉर्ड हाई पे आया है, इसलिए ये जो है स्टॉक एजिस लॉजिस्टिक का वो फोकस में रहेगा, ऑलरेडी अप है 4%। अगला जो हमारा स्टॉक है वो है महिंद्रा लाइफ स्पेसेस का। महिंद्रा लाइफ स्पेसेस के भी Q3 रिजल्ट्स आए, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए, जो उनका रेवेन्यू है वो 667% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ऊपर था, उनके एक्सेप्शनल गेन्स हुए हैं कुछ 33.9 करोड़ के, और ये जो गेन्स है वो ऑन द बैक ऑफ रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस जो है उसकी वजह से हुआ है, और इसी के चलते महिंद्रा लाइफ स्पेसेस भी आज स्टॉक फोकस में रहेगा। तो ये थे सारे स्टॉक्स जो आज की ट्रेडिंग सेशन में कर रहे हैं बस। ठीक है, शुक्रिया अंकिता। तो विश्वभन, आपने जो पूछा कि कौन से शेयर बज कर रहे हैं उनसे जुड़ी क्या खबरें हैं, सारी अंकिता ने आपके सामने रख दी हैं। महिंद्रा लाइफ स्पेस, कर्नाटक बैंक, ये सारे के सारे शेयर चल रहे हैं और सिर्फ चल नहीं रहे हैं, बड़ी तेजी है, और